Hey guys, this is Zulfiqar Khan, and you are watching the Literature Man. Today we will summarize an allegorical novella, The Metamorphoses, by a German short story writer and novelist Franz Kafka. He is one of the famous novelists of 20th century. The Metamorphoses is an allegorical novella. Allegorical means symbolic, or novella means short novel. Means this a short novel. Hai, जो कि सिम्बोलिक है यानी इसमें कोई मानी कोई मीनिंग है, किसी मीनिंग की तरफ इशारा करता है 1912 in 1915 in title, मतलब एक तीसरा शख्स सिर्फ किसी एक मेन करेक्टर के नुकते नजर से नॉवल बयान कर रहा है द नोवेलाट इन अपार्टमेंट ऑफ समी In an unnamed European city, in early nineties. So let's summarize this symbolic novella, *The Metamorphosis*. <laughs> रिगो सामसा अ ट्रैवलिंग सेल्स मैन नोवेला का प्रोटैगनिस्ट जो कि एक सेल्स मैन है और अपनी इस जॉब से नफरत करता है मगर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अपने बाप का कर्ज उतारने के लिए यह जॉब करना उसकी मजबूरी बन चुका है एक रोज़ जब वो सुबह जागता है तो खुद को एक बड़े इंसेक्ट यानी कीड़े में तब्दील पाता है इस तब्दीली की परवाह किए बगैर वो स्ट्रगल करना चाहता है मगर जॉब से हाथ धोने के बाद उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ग्रीगो दरअसल इंसानी कैपिटलिज्म यानी दराना निज़ाम के हाथों मजबूरों मजलूम और डिप्रेस इंसानों के मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है या पेश किया गया है छोटी बहन घर के अफराद में यही वो वाहिद इंसान है जिसके साथ ग्रीगो की कराबत या दोस्ती है पहले तो वो खुद ही ग्रीगो को खाना दिया करती थी उसका कमरा वगैरह साफ किया करती थी मगर आहिता आिस्ता वो भी इसे तरह छोड़ देती है सबसे पहले और सबसे ज्यादा देखभाल करने वाली बहन ही ग्रीगोर की एक कीड़े में तब्दीली के बाद सबसे पहले कहती है कि फैमिली को इससे अब छुटकारा हासिल करना होगा हालांकि तब्दीली से पहले कीड़े में तब्दीली से पहले ग्रिगोर इरादा रखता था कि पैसे जमा करके अपनी बहन को कंजर्वेटोरी यानी मौसीकी के इंस्टीट्यूट में भेजेगा वायलिन सीखने के लिए मिस्टर सैमसा ग्रीगोर्स फादर एक मेहनत भरी जिंदगी गुजारने के बावजूद नाकाम रह जाने वाला शख्स जो अब कारोबार छोड़ चुका है और बेटे की कमाई पर जिंदगी बसर कर रहा है उसने ग्रीगोर की तब्दीली के बाद उसे कमरे में धकेलते वक्त जख्मी कर दिया और उसको जब सेम मारे तब उसको और भी जख्मी कर दिया मिसिस सैमसा इस ग्रीगोज मदर जो कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम पर जाने पर मजबूर है एक मोहब्बत करने वाली और फर्श शनास माँ ग्रिगोर से मिलने और उसे देखने का इसरार करती है मगर उसके सामने आते ही उसकी सूरत देख बेहोश हो जाती है वो अपने शोर के सामने मजबूर और बेख्तियार है और वही करती है जो उसका शोर उसे कहता है मगर जब वो ग्रीगोर को सेम मारता है तो ये उसे बचाने की कोशिश करती है चीफ ग्रीगोर्स बोस एट वर्क जो कि कैपिटलिज्मी सरमायादारा निज़ाम का एक सिंबल है कैपिटलिज्म एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें किसी मुल्क की तिजारत और सनत को रियासत की बजाय प्राइवेट ऑनर्स कंट्रोल करते हैं मतलब प्राइवेट कंपनीज मुल्क की तिजारत चलाती हैं और वही प्रॉफिट कमाती हैं द चार वूमेन एक बेवा औरत जो सैमसा फैमिली के हाथ सफाई का, का काम करती है एक क्लीनिंग लेडी है ग्रीग की तब्दीली की वजह से जब इनकी पुरानी मुलाजमत छोड़कर भाग जाती है तब इन्होंने इस औरत को काम पर रखा एक ईमानदार औरत जो बगैर किसी खौफ और नफरत के ग्रीगोर की इस हालत को फेस करती है द मेटामोफिस मीन तब्दीली चेंज किसी की अपेरेंस या करेक्टर में आने वाली तब्दीली द नोवेला ओपन इन एन अपार्टमेंट ऑफ सैमसा फैमिली इन यूरोप इन अर्ली नाइंटीज ग्रीगोर अ ट्रैवलिंग सेल्समैन एक सुबह जब अपने बिस्तर पर जागता है तो खुद को एक बड़े कीड़े एक कॉकरोच में तब्दील पाता है वो अपने अतराफ में देखता है मगर बाकी सब कुछ पहले के जैसा है वो ये सब भूलने के लिए दोबारा सोने का फैसला करता है कि शायद ये ख्वाब हो क्योंकि अब वो अपनी कमर नहीं मोड़ सकता इसलिए उसे सोने में मुश्किल हो रही है अपनी ज्यादा सारी टांगों को देखकर उसे नफरत सी होने लगती है फिर अचानक से वो अपनी जॉब के मुतालिक सोचने लगता है कि एक सेल्समैन की नौकरी बहुत मुश्किल है अगर ग्रीगोर पर अपने घर की जिम्मेदारियां न होती तो वो ये जॉब छोड़ देता ग्रीगोर काम पर जाने के लिए उठना चाहता है मगर काफी देर हो चुकी है उसने पांच सालों में एक भी छुट्टी नहीं की ग्रिगौर की माँ उसे बुलाती है वो उसे जवाब देते वक्त गौर करता है कि उसकी आवाज भी बदल रही है उसका बाप और बहन आवाज सुनते हैं कि ये अभी तक घर में ही है क्या हुआ ये क्यों नहीं गया वो उसके कमरे में आना चाहते हैं मगर ग्रीगोर ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है वो समझते हैं कि शायद ये बीमार है थोड़ी देर में ग्रीगोर के ऑफिस से उसका चीफ मैनेजर उनके अपार्टमेंट में आता है कि मुझे चीफ ने भेजा है ग्रीगोर का पता करने के लिए कि वो काम पर क्यों नहीं आया ग्रिगौर बामुश्किल उठता है दरवाजा खोलने के लिए मगर दरवाजा नहीं खोल पाता वो अंदर से आवाज देता है कि वो फिलहाल बाहर नहीं आ सकता मगर बहुत जल्द काम पर आ जाएगा इस एटीट्यूड पर मैनेजर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस माजी में भी कुछ खासी अच्छी नहीं रही इसलिए तुम्हें छुट्टियां नहीं करनी चाहिए यह बात सुनकर ग्री को गुस्सा आता है और वो किसी तरह अपने मुंह से दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है दरवाजा खोलकर बाहर आता है मैनेजर उसको देखकर वहां से फरार हो जाता है उसकी हालत देखकर जबकि ग्री का बाप उसे देख कर रोने लगता है ग्रीगोर करता है कि उसे बात समझाने का मौका तो दें। मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता उसका बाप एक छड़ी उठाकर और हाथ में मौजूद न्यूज पेपर से ग्रीगौर को धकेल कर वापिस कमरे में भेज देता है और बारिश से दरवाजा बंद कर देता है इस दौरान दरवाजे से टकरा कर ग्री जख्मी हो जाता है और अंदर दाखिल होते ही फिर से सो जाता है ग्रीगौर गरूब के वक्त यानी दिन ढलते वक्त टॉयलाइट में जागता है और खाने की खुशबू महसूस करता है वो देखता है कि उसकी बहन गरीट उसके लिए दूध और ब्रेड लेकर आई है वो दूध पीना चाहता है मगर देखता है कि उसे अब दूध का टेस्ट पसंद नहीं आता ग्रीगौर की बहन उसके लिए खाने लेकर आती है कि जो उसे पसंद होगा वो ले लेगा मगर किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाता और गरीट सब ले जाकर जाया कर देती है ग्रीगौर सोफे के नीचे वाली साइड पर चढ़ जाता है ताकि ग्रिट उसे ना देख सके और यूं वो खौफ ज्यादा ना हो ग्रीग और महसूस करता है कि आज उसके बाप ने सबको न्यूज़ पेपर पढ़कर नहीं सुनाया पूरे अपार्टमेंट में खामोशी है ग्रिगौर अभी भी चाहता है कि बाहर जाकर अपनी फैमिली के लिए कुछ काम करे और उन्हें इस मुश्किल वक्त से निकाले मगर उसके कमरे के दरवाजे को बाहर से लॉक रखा गया है ग्रिगौर की आवाज़ में बदलाव के बायस उसकी फैमिली समझती है कि वो सुन भी नहीं सकता ना समझ सकता है जबकि ग्रीगोर दरवाजे के साथ कान लगाकर सारी बातें सुनता रहता है बाहर वो बात कर रहे हैं कि पांच साल पहले मिस्टर सैमसा की बिजनेस खत्म हो जाने के बाद कुछ रकम बची थी जो उन्होंने सेव कर ली थी और ये कि ग्रीगोर की आमदन से बचाकर कुछ रकम सेव की हुई है अब क्योंकि ग्रीगोर की मजीद आमदन तो आने वाली नहीं और यही सेविंग्स ही काम आएंगी मगर ये ज्यादा वक्त तो नहीं चलेंगी ग्री जब जब पैसों की बात सुनता है तब तब उसे शर्म आने लगती है वो कुछ नहीं कर सकता हाँ मगर उसे हैरत है कि आज से पहले उसने कभी भी इन सेविंग्स के बारे में नहीं सुना था ये बात उससे पुशीदा रखी गई हालांकि वो खुद पैसे जमा करके ग्रीट को वॉयन क्लासेस के लिए भेजना चाहता था ग्रीट अब जब भी उसके लिए खाना लेकर आती है तो पहले विंडो को ओपन कर देती है जो कि ग्री के लिए तकलीफ दे है उसे रोशनी से तकलीफ होती है वो खुद को एक शीट यानी चादर में छुपा लेता है ताकि ग्रीट की नजर उस पर ना पड़े और वो उससे ज़्यादा ना हो उसके पेरेंट्स उसके में नहीं आते अगर उसकी माँ कभी आना भी चाहती है तो बाकी लोग उसे समझाते हैं और नहीं आने देते ग्रीगोर को यह एहसास होता है कि वो दीवारों और छतों पर चढ़ना पसंद करने लगा ग्रिट उसकी आसानी के लिए उसके रूम से फर्नीचर बाहर निकालती है और उनकी माँ इस काम में मदद करती है उसकी माँ का कहना है कि कहीं ऐसा करना उसे फर्नीचर हटाकर खुली जगह दे देना और उसकी हेल्प करना इन सब चीज़ों में जो उन्हें पसंद है कहीं ये उसकी रिकवरी को मजीद मुश्किल ना बना दे मगर ग्रीट इतफाक नहीं करती फर्नीचर निकालते वक्त ग्रीग और इन खातिन की गुफ्तगु से उलझन महसूस करने लगता है वो दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर को देखता है और उसे बचाना चाहता है ये तस्वीर एक औरत की है जिसने फर वाला लिबास पहना हुआ है इस तस्वीर को बचाते वक्त उसकी माँ उसको दीवार पर चढ़ते देख लेती है और बेहोश हो जाती है और ग्रीट फौरन से आवाज लगाती है ग्रिगोर इस तब्दीली के बाद पहली दफा किसी ने उसे नाम लेकर बुलाया है ग्रिट माँ के लिए मेडिसिन लेने को जाती है और ग्रिगोर भी पीछे चला जाता है मगर उसे पीछे आता देख वो डर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है इतने में उनका बाप अपार्टमेंट में दाखिल होता है जो घर संभालने के लिए एक न्यू जॉब तलाश कर चुका है और अब अपने यूनिफॉर्म में है वो देखकर कर बाजार यही समझता है कि ग्री ने अपनी माँ पर हमला किया और वो बेहोश हो गई और वो कुछ सेब उठाकर ग्रीगौर को मारने लगता है इनमें से एक सेब ग्रीगौर की कमर में लग जाता है और वो ऑलमोस्ट माजूर हो जाता है और नीचे गिर जाता है और उसे फिर से उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है उसकी माँ अपने खामिद से कहने लगती है कि किसी तरह मेरे बच्चे को बचा लो इसके बाद हर शाम चंद घंटों के लिए उसके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को देख सके घर के तमाम मुलाजिम भी उसके खौफ से छोड़कर चले गए हैं उनकी जगह ये लोग एक सफाई करने वाली वीडो यानी बेवा औरत को ले आते हैं जो ग्री को बर्दाश्त करती है और उससे बात वगैरह भी कर लेती है ग्रिट भी अब भाई के ज़्यादा करीब नहीं आती ये लोग तीन किराएदारों को भी लेकर आते हैं ताकि उनके दिए गए किराए से ही घर को कुछ पैसा आता रहे ये किराएदार जिन्हें लॉजर्स और बोर्डर्स के नाम से मेंशन किया गया है इस नोवेला में ये हर चीज में सफाई का ख्याल रखते हैं नखरे करते हैं और ग्रिट के वॉयलन बजाने की आवाज़ पर भी एतराज करते हैं एक शाम जब चार वूमेन वो काम करने वाली सफाई वाली ग्रीगोर के रूम का दरवाजा लॉक करना भूल जाती है इस वक्त ये तीनों लिविंग रूम में आराम कर रहे होते हैं इन्होंने ग्रिट से वॉयन बजाने की फरमाइश की ग्रिगोर भी वॉयन की आवाज सुनकर रिंग कर बाहर आ जाता है क्योंकि दरवाजा तो खुला था इसी दौरान तो इनमें से एक की नज़र इन बॉर्डर में से एक की नज़र ग्रिगोर पर पड़ती है और ये लोग घबरा जाते हैं मिस्टर सैमसन इन्हें समझाना चाहा मगर इन्होंने कहा कि वो बगैर किराया अदा किए ये जगह छोड़कर चले जाएंगे वो यहाँ नहीं रहना चाहते इसके बाद ग्रीट ने अपने पेरेंट्स से कहा कि इन्हें हर सूरत ग्रिगोर से छुटकारा हासिल करना होगा वरना वो सब तबाह हो जाएंगे उसका बाप भी इस बात पर एग्री है और ये चाहते हैं कि काश ग्रिगोर यह बात खुद समझ पाता और यहां से कहीं चला जाता और ऐसा ही हुआ ये हकीकत समझ गया कि उसकी बहन ठीक कह रही है वो आहिस्ता से अपने बेडरूम में चला गया और वहां लेट कर सुबह का इंतजार करने लगा यहां तक कि सुबह होते ही सूरज की तेज रोशनी उसकी मौत का जरिया बनी ग्रिगोर की मौत खानदान के लिए एक राहत और खुशी की बात थी मिस्टर सैमसा ने तीनों बोर्डर्स को घर से निकाल दिया और गिरीगौर की लाश ठिकाने लगाने वाली वो क्लीनिंग लेडी उसको भी काम से फारिग कर दिया ये लोग कंट्री साइड यानी गांव की तरफ एक ट्रिप पर चले गए और नए अपार्टमेंट में मुंतकिल होने का सोचने लगे क्योंकि इनके पास पिछले चंद अरसे में काफी सेविंग्स हो चुकी है ग्रीट जवान लगने लगी है और पेरेंट्स अब उसके लिए एक हस्बैंड तलाश करने का सोच रहे हैं अब्जर्डिटी ऑफ लाइफ नोवेला का आगाज ही एक अब्जर्ड से होता है एक अनहोनी एक मीनिंगलेस ट्रांसफॉर्मेशन एक बेतु की तब्दीली जिसकी कोई वजह भी मालूम नहीं होती कि ग्री तो एक अच्छा बेटा और शफीक भाई था फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और आखिर में वो मर गया ये सारी कहानी फकत अब्जर्डिटी ऑफ लाइफ यानी जिंदगी की बेमकदियत को जाहिर करती है एलियनेशन एंड आइसोलेशन नोवेला में ग्रिगोर का एक बाग यानी कीड़े में तब्दील हो जाना और उसके बाद सिर्फ एक कमरे तक महदूद रह जाना इवन जब ग्रिट अंदर आती है तब सोफे के नीचे छुप जाना यह सब उसकी तरह पसंदी और लोगों से दूरी को जाहिर करता है इस मेटामोस इस तब्दीली से पहले वो एक सेल्स मैन था मतलब काफी लोगों से रबते में होगा मगर पूरे नोवेला में उसका एक भी दोस्त मेंशन नहीं किया गया कोई उससे मिलने उसे पूछने नहीं आता इसका मतलब वो ऑलरेडी तनहा पसंद शख्स था जो लोगों में एलियनेटेड यानी अजनबी महसूस करता था मनी गिल्ड एंड फैमिली तीनों अलग अलग थीम्स हैं मगर मैं इन्हें एक ही कनेक्शन में समझाना चाहूंगा कि कैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन इस तब्दीली से पहले ग्रीगो घर की आमदन का वाहिद जरिया था अपनी फैमिली का ख्याल रख रहा था मगर इस तब्दीली के बाद होना तो ये चाहिए था कि इसकी फैमिली अब इसका ख्याल रखती मगर ऐसा ना हुआ जब वो मजीद आमदन का जरिया ना रहा तो ये लोग उसके वजूद से तंग आने लगे और अपने इस अमल पर शर्मिंदा होना चाहिए था मगर इसके मरने के बाद ये खुश थे शर्मिंदा न थे जबकि मरने से कबल ग्रीगोर शर्मिंदा था गिल्ट में था कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकता और वो इन पर बोझ बन गया सफरिंग एंड सिंपथी इस तब्दीली के बाद शुरू शुरू में तो ग्रिगोर की बहन गैरिट की सिंपथीज यानी हमदर्दी अपने भाई के साथ थी वो उसके खामने की पसंद का ख्याल रखती थी उनकी माँ भी अपने खामी से कहती थी कि किसी तरह मेरे बच्चे को बचा लो इवन ग्रिगोर का बाप भी ये नहीं चाहता था कि ग्रिगोर को मार दिया जाए या घर से निकाल दिया जाए मगर आहिस्ता आहिस्ता जब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई सिंपथीज एक लिमिट को पहुंची और सब तंग आ गए तब सब उससे जान छुड़ाना चाहते थे सारी सिंपीज खत्म हो जाती है और ग्रिगोर मर जाता है मौत से पहले ग्रिगोर एक तकलीफ से गुजर रहा था और उसकी यह सफरिंग खत्म हो गई साथ ही साथ दूसरी तरफ उसकी फैमिली की सफरिंग्स भी खत्म हो गई अपने बेटे को लेकर मेटामोफिस वो थीम के जिस पर नोवेला का टाइटल बेस करता है पहली तब्दीली ग्रिगोर की इंसान से एक कीड़े में दूसरी तब्दीली उसके इर्द गिर्द के लोगों के रवैये में तीसरी तब्दीली नोवेला के एंड पर ग्रिगोर की फैमिली की कि कैसे वो उसकी मौत के बाद खुश हो जाते हैं और आखिरी तब्दीली गरिट की एक जवान लड़की में तब्दील होने की नजर सबसे पहले इस फ्रेम पर पड़ती है और जब उसकी माँ और बहन सफाई करने लगती है तब भी भाकर ये इस तस्वीर को बचाना चाहता है ये अमल उसकी ह्यूमन थॉट यानी इंसानी सोच को जाहिर करता है और साथ ही साथ ये तस्वीर उसे अपने इंसान के तौर पर गुजारे गए वक्त की याद दिलाती है यह तस्वीर सिंबल है ग्रिगोर्स की ह्यूमैनिटी का फादर्स यूनिफॉर्म आगाज में हम ग्रिगोर के बाप को महज उसकी सोच के मुताबिक जानते हैं कि बिजनेस छोड़ चुका है और कुछ नहीं करता मगर जब ग्रिगोर एक कीड़े में बदल जाता है तो घर संभालने के लिए शख्स एक जॉब तलाश कर लेता है और वहां जाना शुरू करता है जब ये यूनिफॉर्म में घर आता है तो हम देखते हैं कि ग्रिगोर के दिल में बाप की इज्जत बढ़ जाती है उसका यूनिफॉर्म चमक रहा होता है मगर जब एंड पर यह दोबारा यूनिफॉर्म में घर आता है और ग्रिगोर को मारता है सेब से तब रात को ग्रिगोर दोबारा उसे थका हारा सोया हुआ देखता है और उसका यूनिफॉर्म मैला और दाखदार होता है और ग्रिगोर की नजरों में उसकी इज्जत कम हो चुकी होती है मतलब ये यूनिफॉर्म सिंबल है डिग्निटी यानी इज्जत का वक़ार का वायलन ग्रिट का वायलन बजाना यह वायलन खूबसूरती और ग्रिट की सिंपथेटिक नेचर को जाहिर करता है इसके साथ ग्रिट और ग्रीगोर के रिलेशन की खूबसूरती को भी जाहिर करता है एट द एंड ग्रीगौर साम्सा की कही गई एक लाइन आई कॉन्ट मेक यू अंडरस्टैंड आई कॉन्ट मेक एनी वन अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग इन साइड मी आई कैनोट इवन एक्सप्लेन इट टू माई सेल्फ मैं तुम्हें नहीं समझा सकता मैं किसी को नहीं समझा सकता कि मेरे अंदर क्या हो रहा है कि मैं खुद से भी इसकी वजाहत नहीं कर सकता टेक गुड बाय टाटा इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज